आज जब उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया, कठोरता पूर्वक भ्रष्ट तत्वों पर कार्रवाई की गई, चयन की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया गया, तब आप जैसे प्रतिभाशाली युवकों को नौकरी में स्थान मिल पाया है, अन्यथा 17 के पहले ये सब एक सपना था। कनक सहायक की नियुक्ति होती थी, पता लगता था कि कोई प्रमुख सचिव, कोई मंत्री, उसके रिश्तेदार, नातेदार, सरकार में बैठे हुए लोग, ये सभी लोग लग जाते थे वसूली करने में। और फिर आप जाके देखें ना, बहुत सारे लोग ऐसे नियुक्त हो जाते थे जिनको कोई भी उस विषय की जानकारी नहीं होती थी, जिनकी टाइपिंग जीरो हुआ करती थी, जिनको अकाउंटेंसी का कोई जानकारी नहीं होती थी, जिनको कंप्यूटर ऑपरेटर में कोई भी एप्लीकेशन की जानकारी नहीं है, वे सब चयन होते थे। और फिर आकर के क्या होता था, वो फाइल उसके समझ में कुछ आता ही नहीं, तो फाइल तो डंप रहना ही रहना था। अगर विभाग का अध्यक्ष थोड़ा संवेदनशील है तो फाइल को जैसे तैसे आगे बढ़ा देता था, अन्यथा वो डंप ही पड़ी रहती थी और फिर बदनामी प्रदेश की होती थी। रोजगार पाने से यहां का युवा वंचित होता था, प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं गलत होती थी, कॉमन मैन प्रताड़ित होता था, सरकार की निगाह में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद नहीं, जाति का भेद नहीं, संप्रदाय का भेद नहीं, सरकार की निगाह तो एक है और वह है सबका साथ सबके विकास। हमारी दृष्टि एक है और वह सबके साथ और सबके विकास को लेकर के, हम उन्हीं भावनाओं को लेकर के कार्य कर रहे हैं और उस अभियान के अब हिस्से बनने जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।